नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं जन यात्रा टीवी। महोबा के गांव के बीचों बीच शराब का ठेका संचालित होने से आक्रोशित गुलाबी गैंग की महिलाओं ने कलेक्टर पहुंचकर प्रदर्शन किया और शराब के ठेके को हटाए जाने की मांग की। वहीं गांव की बस्ती में मौजूद शराब का ठेका होने से आए दिन शराबी न केवल उत्पाद मचाते हैं बल्कि महिलाओं से छींटाकशी कर परेशान भी करते हैं। ऐसे में गुलाबी गैंग ने शराब का ठेका हटाए जाने की जिलाधिकारी से मांग की और चेतावनी भी दी कि यदि शराब का ठेका बीच बस्ती से नहीं हटाया गया तो गुलाबी गैंग की महिलाएं सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर धरना देंगी और जरूरत पड़ी तो गाँव में जाकर महिलाएं शराब का ठेका खुद हटा देंगी। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध महिलाओं के संगठन गुलाबी गैंग द्वारा शराब के ठेके को हटाए जाने की मांग कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जिलाधिकारी से की गई। गुलाबी गैंग की बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम के नेतृत्व में इकट्ठा हुई गुलाबी गैंग की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को इस बाबत एक ज्ञापन भी सौंपा गया और बताया गया कि श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के तिंदौला गांव की बस्ती में ही शराब का ठेका मौजूद है। ऐसे में शराब पीकर शराबी और अराजक तत्व उत्पात मचाते हैं। यही नहीं, आने जाने वाली महिलाओं के साथ छींटाकशी कर उन्हें परेशान करने की तमाम शिकायतें सामने आ रही है, जिसको लेकर गाँव की महिलाओं ने गुलाबी गैंग से मदद की गुहार लगाई, जिस पर गुलाबी गैंग द्वारा आज कलेक्ट्रेट में पहुंचकर इस बाबत ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए शराब का ठेका हटाए जाने की मांग की है। गुलाबी गैंग की बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम ने कहा कि नियत विपरीत शराब का ठेका संचालित हो रहा है। बस्ती के बीच शराब का ठेका होने से महिलाओं और लड़कियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। शराबी शराब पीने के बाद जमकर उत्पात मचाते हैं, जिससे आए दिन विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है, जिससे ग्रामीण खासे परेशान है। ऐसे में चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द से जल्द शराब का ठेका नहीं हटा तो फिर सड़क पर उतरकर गुलाबी गैंग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगी और खुद गांव में जाकर शराब का ठेका हटाने का काम करेंगी। आज हम जो है तिंदौली में जो दारू का ठेका है वो मेन रोड में है, वहाँ से बहनें और बेटियां निकल नहीं पा रही हैं और इतनी दिक्कत हो रही है कि वो कपड़े उतार के ऐसे डले हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। महिलाओं को बहुत ज्यादा समस्या है और बहुत ज्यादा दिक्कत है। आज हमने अपनी बात डीएम साहब से रख दी है, अगर इसका कोई वो नहीं करते हैं तो इसमें हमें बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। इसके लिए हम कमिश्नर करने भी जाएंगे और मैं अपने मीडिया भाइयों की चैनल के जरिए से माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूँ, अनुरोध करना चाहती हूँ कि ये ठेका वहाँ से हटवा के कहीं आउट करवा दें। ऐसे रोड में जो ठेका है उसमें बहनों को और बेटियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लड़कियाँ स्कूल जाती हैं तो वहीं वो लोग दारू पी के पड़े रहते हैं और बहुत गलत बात होती है। इसलिए मैं इस बात को अनुरोध करती हूँ, अगर ये बात नहीं होती है तो गुलाबी गैंग धरने में भी बैठेगी और वहाँ पे भी जाके ठेके वालों को भी सही करेगी। किस गांव का मामला है ये? तिंदौली का है। ऐसे देखते रहिए तमाम खबरों के लिए, देखते रहिए जन यात्रा टीवी।